हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सबके साथ। आज इस वीडियो में मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस करूँगी। आज से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं वीडियोस में। मैं टॉपिक पर डिटेल में इंफॉर्मेशन देने के बाद लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, सो दैट आप लोगों की एनालिटिकल पावर इम्प्रूव हो सके और आप टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करना सीख पाएँ। मेरा ये बदलाव आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ कोई अदर सजेशन भी हो तो प्लीज़ वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि इसी की तरह अन्य वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रेज करना, यानी उसका रिव्यू करना, उसका एनालिसिस करना, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस का पता चल सके, इसके साथ साथ जो क्वालिटीज़ हैं, कमियां हैं, दोनों को ही जाना जा सके। यही अप्रेजल जब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का किया जाता है तो उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, जिसका मेन उद्देश्य एम्प्लॉयज़ की रीसेंट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता करना होता है, जिससे समय समय पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस में होने वाली कमियों, गलतियों या उनके कारणों को जान सकें और उनमें समय रहते सुधार कर सकें, करेक्टिव एक्शन ले सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल से स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का मोरेल हाई होता है और जो मैनेजमेंट को इंक्रीमेंट करने का, सैलरी हाइक करने का, प्रमोशन आदि स्टेप उठाने का एक सॉलिड बेस देता है। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मैनेजरियल एक्शन परफॉर्म करता है, डेवलपमेंटल स्टेप उठाता है, सो दैट एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाया जा सके, उनके करियर को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को भी बढ़ाया जा सके। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डेवलपमेंट फंक्शन के अंतर्गत आता है। इसकी फ्लिपो ने जो डेफिनेशन दी है, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड एन इम्पार्शल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंस इन मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब। फ्लिपो जी वही बात कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये पीरियोडिक प्रोसेस है और जो कि एम्प्लॉयज़ की एक्सीलेंस की, एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ की या वीकनेसेस की रेटिंग करती है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की जो प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस है उसको रेट किया जाता है, इसके साथ साथ उसका जो पोटेंशियल होता है उसको अनकवर किया जाता है, जिससे कि वो आगे आने वाली जॉब में बेटर परफॉर्म कर सके और कौन कौन सी जॉब उसके लिए बेटर हो सकती है इनका पता किया जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिव्यू है, यानी कि परफॉर्मेंस का जो रिव्यू होता है उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जाती है। पीरियोडिक रिव्यू है, यानी कि समय समय पर किया जाता है। कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्म कराती है, यानी कि ये पीरियोडिक है। रिव्यू ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस, इसमें रीसेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है, यानी कि पास्ट 6 मंथ्स या फिर ईयरली, यानी कि पास्ट 12 मंथ्स का रिव्यू किया जाता है। काफ़ी पुरानी परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब नहीं होता। ऑब्जेक्टिव, रेशनल, फॉर्मल एंड साइंटिफिक स्टडी। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो ऑब्जेक्टिव स्टडी है, यानी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो सभी के लिए एक समान होता है। रेशनल यानी कि सभी के लिए एक जैसा परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मली परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का चुनाव किया जाता है, जिससे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की ऑब्जेक्टिविटी, रेशनैलिटी और फॉर्मेलिटी बनी रहे। ये एक कंटिन्यूअस और परपेचुअल प्रोसेस है। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल रेगुलर बेसिस पर टाइम टू टाइम होता रहता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता रहे, उसमें आए हुए चेंजेस का पता चलता रहे। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू जो रिपोर्ट निकल कर आती है उससे एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है, सो जो मैनेजर होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है।
पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ना केवल मैनेजमेंट बल्कि एम्प्लॉयज भी अवेयर होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट से। इससे उनको हेल्प मिलती है ये पता करने में कि किस एरिया में उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होने के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो मैनेजर्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, जिसकी वजह से उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। एम्प्लॉयज़ ने अगर परफॉर्मेंस अच्छी दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी हाइक, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस में कहीं कमी पाई जाती है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। एम्प्लॉय अगर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो इसका पता परफॉर्मेंस अप्रेजल से चल जाता है। किस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराने हैं, कहाँ पर पनिशमेंट, ग्रीवेंस हैंडलिंग आदि की ज़रूरत है, ये सब कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से परफॉर्मेंस की स्ट्रेंथ के साथ साथ परफॉर्मेंस की वीकनेसेस के कारणों का भी पता चलता है। इसको जानकर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को राइट कोचिंग, काउंसलिंग, उनकी मेंटरिंग कर सकता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का अल्टीमेट गोल इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना होता है, जो कि अल्टीमेटली जाकर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इनिशियल फंक्शंस, जैसे कि जब मैनेजर ने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, प्लेसमेंट और इंडक्ट किया एम्प्लॉयज़ को, उसकी इफ़ेक्टिवनेस का पता चलता है। यदि उन्होंने इन कार्यों को ठीक से किया है और उनकी प्रोसेस सही है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ अगर इन प्रोसेसेस में कहीं पर भी लूप होल रह गया है, कहीं पर भी इफ़ेक्टिवली मैनेजर ने इन किसी भी फंक्शन को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं किया, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन फंक्शंस की भी इफ़ेक्टिवनेस और इन इफ़ेक्टिवनेस का पता चल जाता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस यानी कि बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल से मैनेजर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चलता है, जिससे कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं उनको सुधारने के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल से जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो मैनेजर्स को सैलरी हाइक, प्रमोशन, ट्रांसफ़र आदि से रिलेटेड डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल नीड्स का पता चलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज़ की करियर प्लानिंग और उनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिवली की जा सकती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है, इससे पर्सनल डिपार्टमेंट की जो स्टाफिंग प्रोसीजर्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। जॉब एनालिसिस के बेसिस पर ही रिक्रूटमेंट सेलेक्शन की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अगर जॉब एनालिसिस ठीक से परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की एक्टिविटीज़ भी ठीक नहीं हो पाएंगी। इन रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होने पर जो हायरिंग होगी वो भी इनअप्रोप्रिएट होगी। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल से जॉब एनालिसिस और जो बेसिक जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड एरर्स हैं उन सब का पता चलता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में आने वाली कमी का कारण कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, अदर पर्सनल मैटर्स। सो इन सारी चीज़ों का भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता किया जा सकता है। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल करते समय सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है जिनसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद में उस सेट परफॉर्मेंस को सभी मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ सभी से कन्वे किया जाता है। इसके बाद में एक्चुअल मेजरिंग प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस का मेजरमेंट शुरू होता है वो इस लेवल पर होता है। डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक का यूज़ करके परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। इन मेथड्स और टेक्निक्स को मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो बी ट्यून टू माई चैनल। परफॉर्मेंस को मेज़र करने के बाद में उसको सेट, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे फर्स्ट लेवल पर, उससे कंपेयर किया जाता है। कंपेयर्ड रिजल्ट को सबऑर्डिनेट्स को यानी कि एम्प्लॉयज़ को कन्वे किया जाता है, जिससे कि वो दोबारा से अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, जो उन्होंने परफॉर्मेंस सेट किए हैं, उनको रिव्यू कर सकें, चेंज कर सकें। मेजर्ड परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद में जो गैप होता है उसको डिस्कस किया जाता है और उस गैप को फीडबैक के रूप में एम्प्लॉयज़ को कन्वे किया जाता है और उनसे भी फीडबैक लिया जाता है कि उनकी इस परफॉर्मेंस के क्या कारण थे, स्ट्रेंथ
अगर दिखाई दी परफॉर्मेंस में तो उसके क्या रीज़न थे, अगर वीकनेस दिखाई दी है परफॉर्मेंस में तो उसके क्या रीज़न थे, और उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल एक्शन लिए जा सकते हैं। डिस्कस करने के बाद में जो गैप है उसको डिस्कस करने के बाद में जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं, करेक्टिव मेजर्स होते हैं, वो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस हुई है तो सैलरी हाइक, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि मेजर्स लिए जाते हैं, आदि मैनेजरियल एक्शन किए जाते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी ना होने पर, कमियाँ पाए जाने पर, जो ट्रेनिंग नीड है उसको पूरा किया जाता है, डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा किया जाता है, अगर काउंसलिंग कोचिंग की ज़रूरत है तो वो दी जाती है, सो दैट कि वो सेट जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं उनको पूरा कर पाएँ। सो दिस इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ए सैलरी इंक्रीज, बी आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, सी पनिशिंग द एम्प्लॉयज, एंड डी प्रमोशन डिसीजन। किसी भी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया जाता। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, पनिशिंग द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट देने के ऑब्जेक्टिव के साथ में परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं किया जाता। क्वेश्चन है द टाइम स्केल फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर एनुअली, बाई एनुअली, मंथली, वीकली। कंपनीज़ अपनी नीड और सुविधा के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर कर सकती हैं। चूँकि इन सभी ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना है, वो ऑप्शन ए एनुअली होगा, क्योंकि जनरल टर्म्स में ज़्यादातर कंपनीज़ एनुअली ही परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन में से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जज नहीं किया जा सकता, डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, उसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड और उसके इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइंड परफॉर्मेंस अप्रेजल एज फॉलोज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद दैम, एंड सर्चिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ए न्यू स्टॉम, बी कैथ एंड डेविस, सी फ्लिपो, एंड डी टी वी राव। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, न्यू स्टॉम। इस डेफिनेशन को मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप यहाँ से इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शुड बी सीन एज अ प्रोसेस विच इज़ अ वन ईयर टास्क, ट्वाइस अ ईयर एक्टिविटी, ऑनगोइंग प्रोसेस और साइकिल, एंगेज इन व्हेन द अप्रेजल आर कैरीड आउट। परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करने के लिए ही परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, जो कि कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक निश्चित अंतराल पर करती है। वो अंतराल 3 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी, 1 ईयर भी। तो शुरू के ऑप्शन ए और बी सही नहीं है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि एंगेज्ड इन व्हेन द अप्रेजल्स आर कैरीड आउट, यानी कि जब अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है बस तभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता है, जो कि गलत है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस और साइकिल है जो कि लगातार होती रहती है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्वेश्चन विच ऑप्शन हेल्प्स टू एनालाइज द एम्प्लॉयज अचीवमेंट्स एंड इवेल्युएट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ए परफॉर्मेंस अप्रेजल, बी कंट्रोलिंग, सी डायरेक्टिंग, एंड डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्वेश्चन है विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द एम्प्लॉय फॉर द अपकमिंग ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्वेश्चन है विच वन इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, कोचिंग, डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज। इसका आंसर भी परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम में भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा फॉर्मली किया जाता है। स्टेटमेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज अ फीडबैक टू द एम्प्लॉय। यस, ये ट्रू है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अपनी राय एवं सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।